हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट की आवश्यकता आपको हर जगह पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट बनाने नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका बताऊंगा, तो देखते रहिए। अब दोस्तों, मोबाइल से नया जीमेल आईडी बनाने के लिए मैं आपको सबसे सरल और आसान तरीका बताने जा रहा हूं। तो जीमेल आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल ऐप को ओपन कीजिएगा। अब दोस्तों, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो सभी एंड्रॉयड मोबाइल में इनबिल्ट जीमेल ऐप दिया रहता है, तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल ऐप पर क्लिक करके जीमेल ऐप को ओपन कीजिएगा। अब दोस्तों, जीमेल ऐप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे सेटिंग्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप एड अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन गूगल पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहां से आप अपनी नई जीमेल आईडी बना सकते हैं। और दोस्तों, इस पेज पर आने का एक और भी तरीका है, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूं। तो आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जीमेल ऐप पर क्लिक करके जीमेल ऐप को ओपन कीजिएगा। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, तो आप इस प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप यहाँ ऐड अनदर अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन गूगल पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ से आप अपनी नई जीमेल आईडी बना सकते हैं। तो नई जीमेल आईडी बनाने के लिए आप यहाँ क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है फॉर माई सेल्फ, तो अगर आप अपनी जीमेल आईडी खुद के इस्तेमाल के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। और दूसरा ऑप्शन है टू मैनेज माई बिजनेस, तो अगर आप अपनी जीमेल आईडी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पहला ऑप्शन है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आप अपना फर्स्ट नेम डालिएगा। और दूसरा ऑप्शन है सर नेम, तो यहाँ पर आप अपना सर नेम डालिएगा। हालांकि सर नेम ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और सर नेम डालने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में आपको सबसे पहले अपने डेट ऑफ बर्थ का डे एंटर करना होगा, इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ एंटर करना होगा, इसके बाद आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर एंटर करना होगा। इसके बाद आप यहाँ जेंडर पर क्लिक करके आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर एंटर करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 जीमेल एड्रेस दिखाई देंगे। तो अगर आपको इन दोनों जीमेल एड्रेस में से कोई भी जीमेल एड्रेस पसंद आता है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपना जीमेल एड्रेस खुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आपको वह जीमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करना होगा जो कि अभी तक किसी का भी ना हो। आपका जीमेल एड्रेस ऐसा होना चाहिए जिस जीमेल एड्रेस को अभी तक किसी ने भी क्रिएट ना किया हो। तो यहाँ पर आप अपना जीमेल एड्रेस डाल दीजिएगा और जीमेल एड्रेस एंटर करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने जीमेल एड्रेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और आप जो भी पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा उस पासवर्ड को आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप पासवर्ड याद नहीं रख सकते हैं तो जीमेल एड्रेस और पासवर्ड आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ से आप अपने जीमेल आईडी में अपना फोन नंबर एड कर सकते हैं। अब
दोस्तों फोन नंबर ऐड करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो आप आसानी से अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी जीमेल आईडी में फोन नंबर ऐड करना है या नहीं करना है। तो अगर आप अपनी जीमेल आईडी में फोन नंबर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप अपनी जीमेल आईडी में फोन नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ मोर ऑप्शंस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है ऐड माय नंबर फॉर अकाउंट सिक्योरिटी ओनली, तो आप इस थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां डन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको अपना फोन नंबर एंटर करना होगा, तो यहां पर आप अपना फोन नंबर एंटर कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों जो फोन नंबर आप एंटर किए रहेंगे उस फोन नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसमें कि 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड होगा, तो उस वेरिफिकेशन कोड को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड एंटर करने के बाद आप यहां नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर भी आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने प्राइवेसी एंड टर्म्स का पेज खुल करके आ जाएगा, तो इसे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा आई एग्री, तो इसे आपको एग्री करना होगा। तो यहाँ पर आप आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बस कुछ सेकंड तक वेट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आपका नया जीमेल एड्रेस दिखाई देगा, तो आप अपने नए जीमेल एड्रेस पर क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका नया जीमेल आईडी बन करके रेडी हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपना जीमेल आईडी या जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारी इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।